सनस्क्रीन इज़ वन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन अवर स्किन केयर रूटीन एंड विदाउट सनस्क्रीन आपका स्किन केयर रूटीन कभी भी कम्प्लीट नहीं हो सकता. ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द स्किन प्रॉब्लम आर कॉज्ड ड्यू टू यूवी रेज. एजिंग हो, चाहे वो हाइपर पिगमेंटेशन हो, चाहे वो डार्क स्पॉट्स हो, सब हमारा जो सन है उसकी मेहरबानी है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर स्किन प्रोटेक्टेड. सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय टॉप 6 सनस्क्रीन्स अंडर रुपीज़ 500 के अंदर, क्योंकि बहुत सारी सनस्क्रीन ऐसी होती हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं. एंड आई नो कि सनस्क्रीन्स आर लाइक होती हैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव, बट मैं कहूँगी कि अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पीछे से कहीं से काट के सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करो, बिकॉज सनस्क्रीन इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट. और अगर आप बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं और सनस्क्रीन नहीं खरीद रहे हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे. पहली सनस्क्रीन से स्टार्ट करते हैं. यू नो, पहला प्यार तो पहले ही प्यार होता है, नहीं और आप उसको कभी नहीं भूल सकते, मैं भी नहीं भूल सकती. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा. और मेरा पहला प्यार था ये सनस्क्रीन की बात कर रही हूँ, न्यूट्रोजीना अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनब्लॉक. ये मेरी पहली सनस्क्रीन थी जब मुझे पता चला कि हाँ, देयर इज़ अ सनस्क्रीन जो एग्जिस्ट करती है, उसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है. तो मैंने सबसे पहले ये ट्राई किया था एंड आई लव 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 इट. यू नो, ये एक ऐसी सनस्क्रीन है जिसके साथ लोगों का एक बहुत अलग सा रिश्ता आता है. इधर यू कैन लव इट और यू कैन हेट इट, इसके इन बिटवीन ना कोई ऑप्शन नहीं आता है. या फिर या तो लोग इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं या तो बिल्कुल ही नफरत करते हैं. समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो लोशन लाइक इसका टेक्सचर होता है और थोड़ा सा थिक टेक्सचर होता है, तो इट टेक्स टाइम टू गेट सेटल और ड्यूई काइंड ऑफ फिनिश देता है. बट द गुड थिंग इज कि एक फेस पे ना स्पार्कलिंग टाइप पैच हो जाता है. यू नो, आपका फेस शाइन करता है, वो मुझे बहुत पसंद है. वो ऑयली स्किन है अगर आपकी तो ये आपको हैवी लगने वाली है, क्योंकि ऑफकोर्स इसका जो लोशन लाइक टेक्सचर है वो थोड़ा सा थिक है. तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाले हो. इट डिडंट स्टिंग माय आईज, या फिर मेरी स्किन सेंसिटिव है उसके लिए भी इसने कोई भी ऐसी इशू नहीं क्रिएट किया. अगेन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सनस्क्रीन को बिल्कुल पसंद नहीं करते एंड इट डिडंट वर्क फॉर इट. बट हाँ, अगर आपकी ड्राई स्किन है या फिर आपकी नॉर्मल भी स्किन है तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, बिकॉज इट्स वेरी अफोर्डेबल, इजिली अवेलेबल भी रहती है. तो ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा. मेरे लिए और मेरी दोनों बहनों के लिए ये हिट थी. अब आते हैं दूसरी सनस्क्रीन पे एंड दिस वन इज़ फ्रॉम द री इक्विल ऑक्सीबेंजोन एंड OMC फ्री सनस्क्रीन एंड इट ऑल्सो हैज़ अ SPF 50 इन इट एंड दिस वन इज़ फ्रॉम द री इक्विल गाइस. इसका भी टेक्सचर वेरी सिमिलर टू न्यूट्रोजीना वन है, लोशन लाइक टेक्सचर है. सो दिस वन इज़ ऑल्सो फॉर द ड्राई स्किन, ऑयली स्किन पीपल मे फाइंड इट हैवी. जब आप इसको लगाते हो कुछ देर के लिए मिनिमल सा वाइट कास्ट करती है, लाइक फॉर लाइक 1 मिनट, 1 मिनट के लिए रहता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे सेटल हो जाता है. अगेन, इट्स रियली नाइस, सेंसिटिव स्किन है अगर आपकी तो भी आपकी देख सही जाएगा. डुई काइंड ऑफ फिनिश देता है और इट जस्ट मेक योर स्किन ग्लो, विच इज़ रियली नाइस. अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप तभी यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, जस्ट स्किप द मॉइस्चराइजर. बट आई वुड सजेस्ट कि ऑयली स्किन के लिए शायद ये थोड़ी सी हैवी हो जाएगी. But if you have a dry skin, you are going to love it. It's so 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 good. I love the finish it gives. थोड़ा सा time लेती है but जब settle होती है तो बहुत अच्छा settle होती है. And love the feel it gives. आपकी skin moisturized रखती है और glow देती है, which is really nice. Doesn't sting और white color जैसे कि मैंने बताया थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद गायब हो जाता है, settle हो जाती है. Easy to blend है, but हाँ, इसकी smell थोड़ी सी weird रहती है, जैसे chemical की smell नहीं रहती कुछ products में, थोड़ी देर के लिए वो रहती है, वो भी थोड़ी देर में disappear हो जाती है. So this was the second sunscreen, affordable hai and I absolutely love it. Coming to the third sunscreen guys, and this one is a current addition in my routine or I am currently obsessed with this. मैं ये भी कह सकती हूँ, इट्स फ्रॉम द डी कंस्ट्रक्ट जेल सनस्क्रीन और इसका SPF 55 है. इट इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप, ऐसा नहीं है कि ऑयली हो के लिए हो या ड्राई स्किन के लिए हो, ये सारी स्किन टाइप के लिए है. इसका पिंकिश टेक्स्चर है, सिल्की सिलिकन बेस्ड टेक्स्चर है इसका एंड इट गिव्स अ वेरी नाइस फिनिश.
मैट रहता है लेकिन मॉइस्चराइज रहती है। और लव हाउ इट कूल डाउन योर स्किन, तो गर्मियों के लिए बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है ये। एटलीस्ट जीरो वाइट कास्ट, डजंट स्टिंग योर आईज और एनी एरिया दैट सेंसिटाइज, सो अमेजिंग, बेस्ट फॉर ऑल स्किन टाइप। ऑयली स्किन है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सेटल करने में, इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन तो बहुत जल्दी सेटल हो जाती है। सो दिस इज़ द थर्ड सनस्क्रीन एंड आई लव 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 दिस, बहुत ही अमेजिंग सनस्क्रीन है। आई लव द फिनिश इट दिस। अब जो नेक्स्ट सनस्क्रीन मैं बताने वाली हूँ, ये मेरी सनस्क्रीन फेवरेट है ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वर्कआउट। जब मैं वर्कआउट कर रही होती हूँ तो मुझे ये सनस्क्रीन विच इज़ फ्रॉम द क्यूरेस SPF 50 UVA प्लस UVB मैटिफाइंग सनस्क्रीन है जो इनकी, फ्री फॉर ऑफ ऑक्सीबेंजोन एंड OMC। दिस सनस्क्रीन आई लव 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 यूजिंग इट वाइल आई एम वर्किंग आउट, बिकॉज बहुत सारी सनस्क्रीन ऐसी होती है ना, क्योंकि जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो तो आपको पसीना इतना ज़्यादा आ रहा होता है कि कुछ सनस्क्रीन ऐसी होती है जो आपको घोस्ट बना देती, लाइक वो सनस्क्रीन अलग से एक लेयर उतरने लगती है। बट ये इसके साथ बिल्कुल भी नहीं होता, इट्स सेटल्ड सो वेल, मैट फिनिश रहती है इसकी, इट डजंट लीव वाइट कास्ट या फिर स्टिंग नहीं करती है, या फिर आप स्वेट कर रहे होते हो तो कोई इरिटेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करती है। लव द फिनिश इट गिव्स, मैट फिनिश रहता है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप मॉइस्चराइज करिए उसके बाद लगाइए। इफ़ यू हैव अ ऑयली स्किन तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ ये थोड़ी सी मैटिफाइंग है तो आपको अच्छे से प्रेप करना पड़ेगा स्किन को। गाइज आई लव एवरीथिंग अबाउट दिस सनस्क्रीन, लव द फॉर्मुलेशन, ब्लेंड वेरी इजिली, बट हाँ देर आर टाइम्स वेन इट फेल्स, इट्स अ वेरी नाइस सनस्क्रीन, बट येस देर आर डेज कि जब ये फिल करने लगती है, आई डोंट नो वाई बट इट हैपन्स समटाइम्स, वेरी लाइक 1 in 10 days टाइम हो जाता है ऐसे। तो ये एक इशू है, और सेकेंड इशू ये है कि इनकी पैकेजिंग का एक इशू है, इनकी जो बॉटल होती है वो कुछ टाइम के बाद टूट जाती हैं, तो विच इज़ वेरी नॉट नाइस। आई होप द ब्रांड विल वर्क ऑन दिस। अदर देन दैट द फॉर्मुलेशन इज जस्ट सो अमेजिंग एंड आई एब्सोल्युटली लव द सनस्क्रीन, सुपर अफोर्डेबल, लव द फॉर्मुलेशन, गिव्स मैट फिनिश, नो वाइट कास्ट एंड कम्फर्टेबल ऑन स्किन। कमिंग टू द नेक्स्ट सनस्क्रीन, और बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे वो पसंद आ रही है, एंड दिस वन इज़ फ्रॉम द विश केयर की इनविजिबल जेल सनस्क्रीन। SPF 50 है इसका भी, 550 इसकी MRP है गाइस, लेकिन डिस्काउंट में अगेन आपको 500 के अंदर ही मिलेगी 50 ग्राम की पैकेजिंग। लव द टेक्सचर ऑफ इट, लोशन लाइक टेक्सचर है और बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको हैवी फील करे, नो इट्स वेरी लाइट वेट एंड गेट सेटल वेरी इजिली, लीव्स नो वाइट कास्ट, एब्सोल्युटली नो वाइट कास्ट ऑन स्किन, वर्क्स वेरी फाइन, फिनिश जो है इसका डुई काइंड ऑफ फिनिश है, ग्लो करती है स्किन पे एंड डजंट स्टिंग एट ऑल, इवन इफ यू हैव अ सेंसिटाइज स्किन, बिकॉज आई यूज इट ऑन द डेज व्हेन आई हैड अ सेंसिटाइज स्किन एंड इट वर्क्स रियली फाइन फॉर मी, आई लव द फॉर्मुलेशन सो मच। आते लास्ट सनस्क्रीन पे, एंड दिस इज one of the best sunscreen that I have ever used. Love how comfortable and lightweight it is, and this is none other than the Dermaco 1% hyaluronic sunscreen aqua gel for broad spectrum and blue light protection. I just absolutely love everything about this sunscreen, iski packaging se leke iska formulation, it has a lotion like texture jo काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है लोशन, बाकी के भी लोशंस थे बट वो थोड़े से हैवी थे, बट ये वाला इतना लाइट है कि आप जब लगाओगे तो इसको पता भी नहीं चलेगा, रनी नहीं है वो, आप आराम से इसको लगा सकते हो, बहुत इजीली ब्लेंड होता है, बहुत जल्दी ब्लेंड होता है, और लव द फिनिश इट गिव्स, दुई काइंड ऑफ फिनिश रहती है, बट इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही हैवी फील हो, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही लाइट वेट इसका टेक्स्चर है, जस्ट लव इट। This is one of the sunscreen that gets settled on the skin so well or so quickly. बहुत ही जल्दी सेटल हो जाती है और रीअप्लाई करना भी इसको बहुत ईजी रहता है। The good thing is that this sunscreen is for all skin type और इसकी packaging जो है ना वो travel friendly है, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये वाली sunscreen मेरे bag में रहती है हमेशा। So guys, these were the sunscreens जो आपको easily under 500 rupees मिल जाएंगी, और अगर आप discount में लेंगे तो ये कुछ ऐसी भी sunscreen है जो बहुत ही ज़्यादा affordable है और बहुत ही अच्छे से काम करती है। कुछ के cons भी हैं बट of them have like absolutely no cons and बहुत ही amazing sunscreens हैं। Try करिएगा इन sunscreens को, बताइएगा मुझे कि कैसे काम कर रही है आपके लिए। I hope you love them और amazing sunscreens हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और हाँ इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर देना। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑलवेज अप्लाई सनस्क्रीन नो मैटर व्हाट द वेदर इज आउटसाइड, आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।